हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग। ओके, तो टॉपिक क्या है? लेफ्ट फैक्टरिंग। तो अब ये समझते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग बेसिकली होती क्या है। सपोज दैट अगर कोई एक ग्रामर है जो कि आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है, ओके, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं? लेफ्ट फैक्टरिंग। ओके, दैट मीन्स अगर कोई आपकी एक गिवन ग्रामर है जो कि क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है, उसको कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? दैट मीन्स कन्वर्टिंग फ्रॉम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर टू डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इज नोन एज लेफ्ट फैक्टरिंग। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर क्या होती है, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आपके पास एक ग्रामर ए डिराइव्स फॉर एग्जाम्पल आल्फा बीटा वन। ओके, नेक्स्ट है आल्फा बीटा टू एंड आल्फा बीटा थ्री एंड अल्फा बीटा फोर। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ग्रामर है, तो ये कौन सी ग्रामर है, डिटर्मिनिस्टिक है नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इसको समझते हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर सपोज दैट आपको एक स्ट्रिंग ड्राइव करनी है, सपोज दैट अल्फा बीटा फोर, ओके, अल्फा बीटा फोर, इस ग्रामर से ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका फर्स्ट जो सिंबल है वो क्या है, अल्फा। तो अगर अल्फा जनरेट करने, यानी अल्फा बीटा फोर अगर जनरेट करेंगे, तो कैपिटल ए क्या करेगा, अल्फा, उसके बाद क्या है, अल्फा के लिए क्या है, ये भी अल्फा से स्टार्ट 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 है। ओके, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा को रीड किया तो हमारे पास कितनी चॉइस है, टोटल फोर चॉइस। तो दैट मीन्स या तो ये प्रोडक्शन हो सकती है, या तो ये प्रोडक्शन हो सकती है, या तो ये हो सकती है, या तो ये हो सकती है, हमें नहीं पता। यानी अल्फा रीड करेंगे तो अल्फा के बाद बीटा वन है, यहाँ अल्फा के बाद बीटा टू है, अल्फा के बाद बीटा थ्री है, देन अल्फा के बाद बीटा फोर है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे ही अल्फा रीड किया तो ये चार पॉसिबिलिटी, सपोज अगर हमने पहली पॉसिबिलिटी ली तो क्या मिला, बीटा वन। तो दैट मीन्स क्या मिला, स्ट्रिंग अल्फा बीटा वन विच इज़ नॉट इक्वल टू अल्फा बीटा फोर। तो दैट मीन्स ये जो हमने यहाँ स्टेप लिया, ये क्या है, हमारा गलत है। तो दैट मीन्स फिर से क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, वापस आएंगे, नेक्स्ट फर्दर यहाँ आएंगे, नेक्स्ट इसको चेक करेंगे, नेक्स्ट इसको, नेक्स्ट इसको। तो इसका मतलब क्या है, इसे वो क्या कह रहे हैं, नॉन डिटर्मिनिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म का मतलब ये कि अगर इस प्रोडक्शन को देखेंगे, इस प्रोडक्शन को देखेंगे, इस प्रोडक्शन को, इस प्रोडक्शन को, अगर यहाँ कहीं कोई कॉमन आ रहा है स्टार्टिंग में, दैट मीन्स कॉमन प्रीफिक्स, कॉमन प्रीफिक्स, अगर कहीं आपको कॉमन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई भी सिंबल आपको कॉमन मिल रहा है, तो दैट मीन्स अगर इन चारों को देखें तो चारों में कॉमन आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, कौन सी ग्रामर, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। ओके, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी एक प्रोडक्शन है, सेम वेरिएबल, वेरिएबल क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। सपोज अगर इस तरीके से कोई वेरिएबल दिया हुआ है, ए डिराइव सपोज दैट दिया हुआ है स्मॉल ए कैपिटल बी, और क्या सपोज दैट दिया हुआ है बीटा वन, ओके, और यहाँ दिया हुआ बी डिराइव ए सपोज दैट दिया हुआ बीटा टू, तो इसको नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं कहेंगे। इसको नॉन डिटर्मिनिज्म क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल कैपिटल ए इसको डिराइव कर रहा है और ये इसको डिराइव कर रहा है, ये दो डिफरेंट प्रोडक्शन है। यहाँ क्या कर रहा है, यही सेम वेरिएबल इन सारे प्रोडक्शन को डिराइव कर रहा है, इसलिए इसको हम नॉन डिटर्मिनिज्म कहेंगे। यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, और यहाँ भी अल्फा है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में, तो सिंपली क्या करेंगे, क्या है, यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल ए जो भी आपका कॉमन प्रीफिक्स है, कॉमन प्रीफिक्स का मतलब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे। ओके, सिंपली क्या कर देंगे, अल्फा ए डैश। ओके, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, अल्फा ए डैश, और ए डैश की जगह क्या लिख देंगे, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री एंड बीटा फोर। ओके, तो यहाँ क्या था आपका, यहाँ एक कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा था अल्फा, उस कॉमन प्रीफिक्स को वहाँ से क्या करेंगे, पुल आउट करेंगे और उसको एक नया वेरिएबल, यानी सिंपली कैपिटल ए डिराइव्स अल्फा, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसके बाद जितने भी आपके सिंबल्स होंगे उसको अलग जनरेट कर लेंगे। तो इस ग्रामर, यानी कन्वर्टिंग फ्रॉम नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर टू डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इज नोन एज लेफ्ट फैक्टरिंग। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, भी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे कि कोई भी एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है उसको डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में। ओके, सिंपली क्या है, एस डिराइव्स आई कैपिटल ई टी कैपिटल एस, ओके, स्लैश आई कैपिटल ई टी कैपिटल एस ई एंड कैपिटल एस, ओके, एंड कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए
एंड ई डिराइव सिंपली स्मॉल बी. यहाँ दो वेरिएबल हैं, यहाँ दो वेरिएबल हैं, कैपिटल एस एंड कैपिटल बी. तो सिंपली क्या करेंगे, पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये नॉन डिटर्मिस्टिक ग्रामर है. तो देखेंगे क्या कोई कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है, यानी देखो सेम वेरिएबल के लिए कैपिटल ई डिफरेंट वेरिएबल है, कैपिटल एस डिफरेंट वेरिएबल है. जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, यानी अगर दो डिफरेंट उसमें यानी वेरिएबल में अगर सेम कॉमन यानी सेम सिंबल स्टार्टिंग मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि नॉन डिटर्मिस्टिक है. सेम वेरिएबल यानी कैपिटल एस, अगर देखो सिंपली इस अगर एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ क्या है, आई और आई कॉमन है, कैपिटल ई कॉमन है, टी एंड टी कॉमन है, एस एंड एस कॉमन है. तो दैट मीन्स ये पूरा स्टार्टिंग में आई ई टी एस इसके दोनों में कॉमन है. तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन डिटर्मिज्म है. यानी जितना कॉमन प्रीफिक्स होगा उसको पुल आउट करेंगे सिंपली. जैसे यहाँ क्या कैपिटल एस डिराइव्स, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा, और ये क्या है, इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये जो है नॉन डिटर्मिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो सिंपली क्या करेंगे, आई ई आई कैपिटल ई टी एंड एस फॉलोड बाई एस डैश. यानी जैसे यहाँ फॉलोड बाई ए डैश था वो लिख दिया, उसके बाद क्या होगा, जो भी इसके बाद होगा उसको लिख लेंगे. तो दैट मीन्स इसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है. तो सिंपली क्या करेंगे, एस डैश डिराइव्स नल, क्योंकि अगर नल यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको ये ये सारे टर्म मिल जाएंगे जो इससे डिराइव हो रहे थे. यानी कैपिटल एस इस पूरे को डिराइव कर रहा था, तो दैट मीन्स इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अगर ये नल वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पूरे हमको टर्म मिल जाएंगे. नेक्स्ट इसके बाद क्या था यहाँ पे, ई एस. ओके, तो यहाँ क्या कर देंगे, ई एस. ओके, और कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए, स्मॉल ए डिराइव हो रहा था तो एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, क्योंकि इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई डिराइव्स सिंपली स्मॉल बी. ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, जो आपका कॉमन पार्ट होगा उसको पुल आउट करेंगे और उसको अल्फा यहाँ लिख देंगे. अल्फा एक नया वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करेंगे. सपोज दैट अगर कैपिटल एस है तो एस डैश ए है तो ए डैश जो भी आपके, ठीक है. मतलब ये है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंडेटरी ए डैश ही लिखना है, यहाँ कैपिटल बी लिख सकते हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस डैश, और एस डैश पे हमें वो सब्सटीट्यूट करना होगा जिससे हमारी ओरिजिन, यानी अगर इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ये ओरिजिनल जो आपकी ग्रामर थी उससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही थी और इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं. तो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. यहाँ क्या, कैपिटल एस डिराइव दिस दिस एंड दिस एंड दिस, यानी यहाँ जो टोटल कितनी प्रोडक्शन है, चार प्रोडक्शन है. तो इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन प्रीफिक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है. ओके, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ भी स्मॉल ए है, यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ नहीं है. तो इसका मतलब ये नॉन डिटर्मिनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, यहाँ क्या है, कैपिटल एस है, यहाँ भी कैपिटल एस है, लेकिन यहाँ कैपिटल एस नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली स्मॉल ए आपका कॉमन प्रीफिक्स आ रहा है. तो कॉमन प्रीफिक्स आएगा तो क्या करेंगे, एस डिराइव सिंपली स्मॉल ए एंड एस डैश. ओके, जो आपको कॉमन मिलेगा उसको वहाँ से पुल आउट करेंगे और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके उसके साथ उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे. अब क्या होगा, इसके बाद जो भी सिंबल्स होंगे, यानी एस डैश क्या हो जाएगा, सिंपली इसके जगह क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स एस फॉलोड बाई बी एंड कैपिटल एस. ओके, क्योंकि अगर एस डैश की जगह ये पूरा टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल ग्रामर थी वो मिल जाएगी. उसके बाद यहाँ स्मॉल ए के बाद यहाँ क्या है, कैपिटल एस स्मॉल ए कैपिटल एस एंड बी, ये लिख दिया. और उसके बाद यहाँ क्या है, टू टाइम्स बी. तो दैट मीन्स इसके बाद जो जो चीज़ें आएंगे उसको लिखते चले जाएंगे. दैट मीन्स ये और ये. ओके, तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स बी. और यहाँ बी जनरेट हो रहा था तो इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे. ओके, उसके बाद फिर चेक करेंगे कहीं यहाँ नॉन डिटर्मिज्म तो नहीं आ रहा है. तो नॉन डिटर्मिज्म का मतलब क्या आएगी, देखो यहाँ भी आपका कैपिटल एस है, यहाँ भी कैपिटल एस है. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ भी कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है. तो कॉमन प्रीफिक्स क्या है, यहाँ कैपिटल एस, यहाँ कैपिटल एस. इसका मतलब यहाँ ये नॉन डिटर्मिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ देंगे. नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, कैपिटल एस है, यहाँ स्मॉल ए. तो सिंपली क्या होगा, इसमें कैपिटल एस जो होगा वो आपका कॉमन प्रीफिक्स होगा. तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, अब एस एस डैश विच इज इक्वल्स टू कैपिटल एस, और एक नया वेरिएबल ले लिया सपोज दैट एस डबल डैश. ओके, तो एस डबल डैश क्या लिखेंगे, एस डबल डैश. तो बाकी इसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको लिखेंगे. दैट मीन्स एस बी कैपिटल एस एंड ये क्या हो जाएगा, ए एस बी, और टू टाइम्स बी किसके साथ था, एस डैश के साथ. तो इसको इस तरीके से लिख देंगे. ओके, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या कोई कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है. तो यहाँ क्या है, कैपिटल एस, यहाँ क्या है स्मॉल है. तो दैट मीन्स कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है. तो क्या क्या, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर हम सॉरी इसके करस्पॉन्डिंग जो हम डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर लिख रहे हैं उसमें कौन कौन सी प्रोडक्शन आएगी, दिस
दिस एंड दिस, यानी ये प्रोडक्शन आएगी प्रोडक्शन वन, प्रोडक्शन टू एंड प्रोडक्शन थ्री, इसकी जगह पे ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ कितने टोटल प्रोडक्शन है, वन टू थ्री एंड फोर, लास्ट में क्या है स्मॉल ए। तो अब चेक करेंगे यहाँ क्या कोई कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है, तो अगर कोई कॉमन प्रीफिक्स मिलेगा उसको उसको पुल आउट करेंगे और उस तरीके से जैसे अभी तक करते हैं वो कर लेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ क्या आपका क्या स्मॉल बी कॉमन है, यहाँ भी स्मॉल बी कॉमन है, यहाँ भी स्मॉल बी कॉमन है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या स्मॉल है, दैट मीन्स ये आपके नॉन डिटर्मिनिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो कॉमन प्रीफिक्स में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सिंबल चेक करें, यहाँ क्या कैपिटल एस, यहाँ भी कैपिटल एस है, यहाँ भी कैपिटल एस। ओके, तो इसका मतलब दो दो सिंबल आपके कॉमन प्रीफिक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एस यहाँ आ रहा है, कैपिटल एस यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है स्मॉल बी, तो इसका मतलब सिंपली क्या होगा, अल्फा क्या हो जाएगा आपका स्मॉल बी कैपिटल एस। तो क्या लिखेंगे इसको, एस डिराइव्स स्मॉल बी कैपिटल एस एंड फॉलोड बाई एस डैश। ओके, अल्फा ए डैश, सिंपली क्या करेंगे, अल्फा हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अल्फा मीन्स कॉमन प्रीफिक्स, उसके बाद क्या करेंगे एस डैश डिराइव्स बाकी जो पार्ट होगा, दैट मीन्स जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट होगा उसको लिख देंगे, क्या आ जाएगा एस टू टाइम्स ए फॉलोड बाई कैपिटल एस स्लैश, यहाँ क्या आ रहा था एस स्मॉल ए कैपिटल एस बी एंड यहाँ क्या आ रहा था सिंपली स्मॉल बी। ओके, और स्मॉल ए किसके साथ आएगा, स्टार्टिंग वेरिएबल के साथ। ओके, तो इसका मतलब इसको फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट किया तो ये मिला। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि क्या कहीं कोई नॉन डिटर्मिनिज्म आ रहा है, तो चेक करेंगे यहाँ क्या है कॉमन कैपिटल एस, यहाँ भी कॉमन कैपिटल एस, दैट मीन्स इसमें भी अभी नॉन डिटर्मिनिज्म प्रेजेंट है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा रिमूव। उसके बाद क्या है, यहाँ क्या है बी, तो इसका मतलब ये आपका कॉमन प्रीफिक्स में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या है स्मॉल ए, यहाँ क्या मिल रहा है स्मॉल ए। ओके, नेक्स्ट क्या है स्मॉल ए, यहाँ क्या है कैपिटल एस, सो दैट मीन्स यहाँ आप कॉमन है, कॉमन क्या है सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग के दो टर्म। ओके, तो क्या करेंगे अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, एस डैश डिराइव्स कैपिटल एस फॉलोड बाय स्मॉल ए एंड एस डबल डैश। ओके, अब एस डबल डैश क्या लिखेंगे, एस डबल डैश रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका ए एस ये स्लैश और इधर क्या था आपका एस बी, एस बी और बी किसके साथ आएगा क्योंकि एस डैश के साथ आ रहा था, तो क्या करेंगे बी इसके साथ लिख देंगे। ओके, और उसके बाद फिर चेक करेंगे क्या यहाँ कोई कॉमन प्रीफिक्स आ रहा है, कॉमन प्रीफिक्स क्या है आपका स्मॉल ए है, यहाँ कैपिटल एस है, तो इसका मतलब यहाँ नॉन डिटर्मिनिज्म अब नहीं आएगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, दिस प्रोडक्शन एंड दिस प्रोडक्शन। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एस डिराइव स्मॉल ए स्मॉल ए बी ए बी सी एंड ए बी सी डी। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या कोई कॉमन प्रीफिक्स है, तो यहाँ क्या आपका स्मॉल ए है, यहाँ भी स्मॉल ए है, यहाँ भी स्मॉल ए है, यहाँ भी स्मॉल है, तो चारों में कॉमन है, तो क्या करेंगे उसको पुल आउट कर लेंगे, एस डिराइव्स क्या हो जाएगा स्मॉल ए एंड एस डैश। ओके, उसके बाद क्या करें, एस डैश की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, यानी इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ भी नहीं, तो दैट मीन्स क्या आएगा नल। नेक्स्ट क्या आएगा, इसके बाद क्या है बी और इधर क्या है आपका बी सी और इधर क्या है बी सी डी। ओके, ये क्या है सी, दैट मीन्स बी सी डी, इसको कन्वर्ट किए तो हमको नेक्स्ट स्टेप में ये मिला। अब इसमें चेक करेंगे क्या कहीं यहाँ नॉन डिटर्मिनिज्म है, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो स्मॉल बी यहाँ भी है, स्मॉल बी यहाँ भी है, स्मॉल बी यहाँ भी है, तो अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे यानी एस डैश की जगह क्या लिखेंगे, एस डैश डिराइव्स सिंपली नल तो रहेगा ही क्योंकि इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं आ रहा, सिंपली क्या करेंगे यहाँ बी एस डबल डैश। ओके, यानी बी एस डबल डैश, यानी इस बी के बाद क्या है आपका, यानी अब सिंपली क्या करेंगे एस डबल डैश की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि इस बी के बाद क्या है कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स क्या आएगा सिंपली नल। नल क्या होगा, क्योंकि यहाँ अगर नल की जगह यानी एस डबल डैश की जगह यहाँ नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा बी, तो ये हमको मिल जाएगा यानी एस डैश डिराइव्स बी, जो ओरिजिनल ग्रामर थी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, इस बी के बाद क्या है सी, तो सी लिख दिया, इस बी के बाद क्या है सी डी, तो ये लिख दिया। ओके, तो दैट मीन्स इस एस डैश की जगह क्या आ जाएगा ये प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि जो हमने इसको कन्वर्ट किया तो क्या यहाँ कोई कॉमन प्रीफिक्स आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे सी यहाँ मिल रहा है, सी यहाँ मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे अब इसकी जगह क्या करेंगे एस डबल डैश डिराइव्स नल। ओके, एस डबल डैश डिराइव्स नल और इसकी जगह क्या लिखेंगे सी एस सपोज दैट ट्रिपल डैश। ओके, एक नया वेरिएबल एस ट्रिपल डैश इंट्रोड्यूस कर दिया और एस ट्रिपल डैश की जगह क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या है यानी ये कॉमन है, इसके बाद क्या आएगा नल और इसकी जगह क्या है सिंपली डी। ओके, तो कौन कौन सी प्रोडक्शन हो जाएगी, एक आपकी ये होगी पहली प्रोडक्शन, ये आंसर में क्या लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ।
टोटल यहाँ चार प्रोडक्शन आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यानी कोई भी एक आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर गिवन होगी उसको कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में, जिसको क्या कहते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। तो ये तरीका है इसका। ओके,